सो गुड मॉर्निंग गाइस, और 2 जुलाई के करंट अफेयर्स में हमारा पहला प्रश्न है, देश में कब से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना शुरू की जाएगी, यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2020 से। अच्छा, ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है क्या? तो देखो, बिल्कुल सिंपल सा मैं आपको समझाता हूँ। एक व्यक्ति है किसी राज्य में, उसके पास है राशन कार्ड। देखो, राशन कार्ड होता है तो क्या होता है, जो राशन का सामान होता है, जो भी बेसिक चीज़ें जैसे कि गेहूँ चावल ये मिल जाते हैं राशन वाले, सरकार सब्सिडी देती है तो सस्ते रेट में मिल जाते हैं अगर आपके पास राशन कार्ड है तो। अब इस योजना में क्या है, मान लो वो व्यक्ति है जिसके पास राशन कार्ड है, वो उसका राज्य छोड़कर किसी और राज्य में जाता है, तो अब उसे उस राज्य में नया राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है, जो उसका पुराना वाला राशन कार्ड है ना, वही यहाँ पे भी चालू हो जाएगा, मतलब उसी से काम चल जाएगा। वो चाहे देश में किसी भी राज्य में जाए, किसी भी स्टेट में जाए, उसका जो मेन जो उसका राशन कार्ड था वो हर जगह लागू होगा। बस शर्त यह है कि उसका जो राशन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। यही है आपकी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। तो आपको इसकी डेट याद रखनी है, कब से ये योजना शुरू की जाएगी, 1 जुलाई 2020 से शुरू की जाएगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, मैं आपको इसी से मिलती जुलती कुछ और योजनाएं बताता हूँ। मैं आपको नाम लेता हूँ, आपको याद आती जाएंगी। सबसे पहले शुरू हुई थी इस तरह की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, याद है ना, कहाँ पे शुरू हुई थी, उत्तर प्रदेश में। फिर आई थी वन फैमिली वन जॉब योजना सिक्किम में, इसमें क्या था, हर फैमिली के एक बंदे को या बंदी को गवर्नमेंट जॉब मिलनी थी। फिर वन नेशन वन कार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन नेशन वन कार्ड योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था अहमदाबाद से, इसी साल की बात है, 4 मार्च 2019 डेट याद होनी चाहिए, लॉन्च किया गया था इसको अहमदाबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्या था इस योजना में, वन नेशन वन कार्ड में, नाम से पता चल रहा है, आपके पास एक कार्ड होगा, सारे काम उससे हो जाएंगे, चाहे आपको उस कार्ड से बस में ट्रैवल करना हो, चाहे मेट्रो से ट्रैवल करना हो, चाहे शॉपिंग करनी हो, चाहे कुछ भी करना हो, वो एक कार्ड ही आपके लिए कारगर होगा। अलग अलग कार्ड रखने की जरूरत नहीं है हर काम के लिए। ये है वन नेशन वन कार्ड योजना। उसके बाद फिर अभी हमने देखा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, जो कि कब से शुरू होगी, अगले साल 2020 की 1 जुलाई तारीख से। अच्छा, आप मुझे बताओ, हमारे केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? इंग्लिश में बोलेंगे तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अगर आपने हमारा कैबिनेट मिनिस्टर का जो ट्रिकी वीडियो है वो देखा होगा ना, तो आप आंसर दे पाओगे। देखो, मैंने क्या बोला, कंज्यूमर अफेयर रामविलास पासवान, याद आया, बढ़ते आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्री 2019 किसने जीत ली है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मैक्स वर्स्टैपन ने। तो ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्री इस साल की नवी फॉर्मूला वन रेस है और इसे जीत लिया है रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन ने। अच्छा, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। चलो, आप मुझे बताओ, ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्री जो फॉर्मूला वन रेस थी वो किसने जीती थी? इस साल की पहली फॉर्मूला वन रेस थी है, जो जीती थी वोल्टेरी बोटास ने, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर है। अच्छा देखो, ये वाली ऑस्ट्रिया तो नवी रेस है इस साल की, इससे पहले अपन 8 देख चुके हैं और मैंने आपको बताया भी है, जो 8 की इसके पहले की जो 8 रेसेस थी वो 2 ही व्यक्तियों ने जीती है, वोल्टेरी बोटास ने और लुईस हैमिल्टन ने, और दोनों मर्सिडीज के ड्राइवर है। और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी याद रखने की कि किसने कौन सी रेस जीती थी। क्या ट्रिक थी, इसकी बात नहीं कर रहे, इससे पहले वाले 8 रेसेस की बात कर रहे हैं। क्या ट्रिक थी कि जिसका भी नाम, जिस भी रेस का नाम ए से स्टार्ट होता है वो वोल्टेरी बोटास ने जीती है और बाकी सारी लुईस हैमिल्टन ने जीती है। ए से नाम 2 का ही स्टार्ट होता था, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री और अजरबैजान ग्रैंड प्री, जो किसने जीती थी आपकी, वोल्टेरी बोटास ने, उसके अलावा सारी लुईस हैमिल्टन ने। अब आपको एक और याद रख लेनी है, ये नवी वाली ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्री, याद रख लेना इसको, ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्री किसने, मैक्स वर्स्टैपन ने, जो कि रेडबुल के ड्राइवर हैं। बढ़ते आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल हाउसिंग बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शारदा कुमार होता। हाँ, ये होता है, होता, ये मत सोचना कोई करेक्शन है, यही इनका नाम है, शारदा कुमार होता। तो नेशनल हाउसिंग बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर नए कौन बन गए हैं, शारदा कुमार होता। इससे पहले ये कैनरा बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। अच्छा, नेशनल हाउसिंग बैंक से कुछ याद आया क्या आपको? मैंने आपको कई बार बताया है कि नेशनल हाउसिंग बैंक और नाबार्ड में RBI की जितनी भी हिस्सेदारी थी ना, जितनी भी शेयर होल्डिंग थी, वो सारी की सारी वो बेच चुका है किसको, गवर्नमेंट को, भारत सरकार को। अच्छा, NHB मतलब तो हो गया नेशनल हाउसिंग बैंक, नाबार्ड मैंने बोला, नाबार्ड की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है तो आपको पता होना चाहिए क्या होती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
अच्छा चेयरमैन कौन है नाबार्ड के? हर्ष कुमार भनवाला है। अच्छा ऑप्शन ए क्या लिख रहा है यहाँ पे? रवि मिश्रा। तो अभी कुछ दिन पहले आरबीआई के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे कौन? रवि मिश्रा। ऑप्शन सी क्या है? अरविंद कुमार, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, आईबी इंटेलिजेंसी ब्यूरो के नए प्रमुख बने हैं। अच्छा आईबी की स्थापना कब हुई थी? 1887 में। ऑप्शन डी क्या है? के नटराजन, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं कौन? के नटराजन। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, एसएनबी के अनुसार स्विस बैंक में पैसा रखने के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है, टॉप पर है, यानी कि सबसे ज्यादा स्विस बैंक में किस देश का पैसा रखा हुआ है, ये पूछ रहा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन का। एसएनबी मतलब स्विस नेशनल बैंक, तो स्विस नेशनल बैंक के अनुसार स्विस बैंकों में सबसे ज्यादा पैसा रखा हुआ है ब्रिटेन का, यानी कि ब्रिटेन के नागरिकों का, उनके बिजनेसमैनों का सबसे ज्यादा पैसा रखा हुआ है स्विस बैंक में। उसके बाद बारी आती है, सेकेंड नंबर पे है अमेरिका, और अगर भारत की बात करोगे तो भारत आता है 74 नंबर पे। अच्छा स्विस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बैसल स्विट्जरलैंड में। बढ़ते आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु का राज्य तितली किसे घोषित किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तमिल योमन को। तो तमिल योमन तितली को तमिलनाडु का राज्य तितली घोषित कर दिया गया है। इन तितलियों को तमिल माखन के नाम से भी जाना जाता है जिसका अर्थ होता है योद्धा, और ये मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अच्छा याद रखना, तमिलनाडु अपने राज्य का तितली घोषित करने वाला देश का पांचवा राज्य बन गया है। अच्छा बात हुई है तमिलनाडु की, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल है चेन्नई, जिसे पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, और मुख्यमंत्री कौन है? एडापड्डी पलानीस्वामी। अच्छा याद रखना, एक इंपॉर्टेंट स्टैटिक प्रश्न बनता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में वेदई नदी के किनारे मदुरे में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। अच्छा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? कोस्ट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। मालाबार तट आपके इसको कहते हैं केरल वाले को, और मैंने आपको बताया भी है कि गुजरात से लेके गोवा तक के तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं, ये भी आप याद रखना। अच्छा मैंने आपको बताया था ना कि भारत का पहला संगीत संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो तमिलनाडु में। याद रखना ये एग्जाम में आपका पूछा भी जा चुका है। उसके अलावा नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली पहली महिला तमिलनाडु से है, आपको उसका नाम बताना है। शाम को अपन टेस्ट लगाते हैं ना, वहाँ पे प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, तो आंसर बताओ, स्नेहा नाम है। अच्छा देश में पहली बार सीवर, जो गटर वगैरह होते हैं, उनको सफाई करने के लिए एक रोबोट लॉन्च किया गया था यहीं पे चेन्नई में, और उसका नाम क्या रखा था रोबोट का? बैंडीकूट, BANDICOOT, बैंडीकूट। बढ़ते आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 जुलाई को। तो भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा ये मनाया क्यों जाता है? तो प्रसिद्ध डॉक्टर डॉक्टर बिदान चंद्र रॉय को सम्मानित करने के लिए यह राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें 4 फरवरी 1961 को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। अच्छा 1 जुलाई को अपन एक और इम्पोर्टेंट डे मनाते हैं, बता सकते हो कौन सा? GST दिवस। तो याद रखना 1 जुलाई, वैसे आपको याद है 1 जुलाई 2017 को GST भारत में लागू हुआ था, तो कह सकते हो ये इस बार इसकी दूसरी एनिवर्सरी है 2019। अच्छा 30 जून को हमने 2 इम्पोर्टेंट डे बनाए थे, मैं आपको बता रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय शुद्र ग्रह दिवस, और इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे, और संसदीयता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। ये दोनों डे अपन 30 जून को ही मनाया है। अच्छा याद रखना 1 जुलाई को अपन ने क्या मनाया? नेशनल डॉक्टर्स डे। अच्छा चलो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, एक नया इनिशिएटिव में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताओ 1 जनवरी को अपन ने क्या मनाया? DRDO दिवस के रूप में मनाया। फिर आप मुझे बताओ 1 मार्च को अपन ने क्या मनाया था? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस। चलो फिर आप बता दो 1 अप्रैल को क्या मनाया था? उड़ीसा राज्य दिवस के रूप में मनाया था, और इसी दिन उड़ीसा की कंदमाल हल्दी को भी GI टैग मिला था। अच्छा आप मुझे बताओ कि उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई कब थी? मैंने आपको लिंक करके ये याद करवाया है, 1 अप्रैल 1936 को। किससे लिंक करके याद करवाया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, क्योंकि उसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। याद होगा अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो। फिर आप मुझे बताओ 1 मई को अपन ने क्या मनाया था? इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया था, और 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र की भी स्थापना हुई थी, बेसिकली उनकी स्थापना हुई थी 1960 में, वो भी याद रखना था।
एक जून को फिर अपन ने मनाया वर्ल्ड मिल्क डे, और अब एक जुलाई को अपन मना रहे हैं नेशनल डॉक्टर्स डे। तो ये आपको सारे याद होने चाहिए। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, आरबीआई ने 1 जुलाई 2019 से किस सिस्टम के माध्यम से फंड ट्रांसफर पर अतिरिक्त शुल्क लगाना बंद कर दिया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, यानी कि आरटीजीएस और एनईएफटी। तो आरबीआई ने 1 जुलाई 2019 से आरटीजीएस और एनईएफटी के थ्रू फंड ट्रांसफर पर जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते थे ना, उनको खत्म कर दिया है। देखो, आपको याद हो, अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते हो तो आपको याद होगा, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक समिति बनाई थी, नंदन नीलेकणी समिति। तो उसने अभी अपनी रिपोर्ट दे दी है आरबीआई को, और उस रिपोर्ट में कहा है कि भैया अगर डिजिटल पेमेंट को देश में बढ़ावा देना है ना, तो ये आरटीजीएस एनईएफटी वगैरह पे जो एक्स्ट्रा शुल्क आप लेते हो उन्हें हटा दो। अच्छा, आरटीजीएस और एनईएफटी की फुल फॉर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगी। आरटीजीएस मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। मतलब क्या होता है, अगर आपको किसी एक बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करना है किसी दूसरे बैंक अकाउंट में, तो आप इनके थ्रू कर दो। कुछ बेसिक डिफरेंस है इनके, जैसे कि रियल आरटीजीएस में आपको मिनिमम 2 लाख रुपए तो भेजने ही पड़ेंगे, और मिनिमम कोई इसमें एनईएफटी में कोई मिनिमम का फंडा नहीं है, आप 1 रुपए भेजो 10 रुपए भेजो, 2 लाख है, लेकिन एनईएफटी में आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक भेज सकते हो। अच्छा देखो, आरटीजीएस से रिलेटेड मुझे एक और क्वेश्चन याद आता है, मैंने आपको बताया था 5-15 दिन पहले कि आरटीजीएस में टाइमिंग चेंज हो गई है। पहले आप आरटीजीएस को यूज़ कर सकते थे सुबह 8 बजे से 4:30 बजे तक, लेकिन अब उसको टाइमिंग को बढ़ा दिया है, शाम के 4:30 से बढ़ा करके 6 कर दिया, यानी कि 1.5 घंटा ज़्यादा कर दिया आप टाइम को। अच्छा, बात हुई है आरबीआई की, तो वैसे तो आरबीआई के बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में कई बार बताया है, तो आज मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। कौन से नंबर के हैं, तो 25वें नंबर के हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि अभी 20 रुपये का नया नोट आने वाला है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। जैसे कि इस पर एक बार प्रश्न बन चुका है एग्जाम में, वैसे मैंने आपको कई बार ये भी बताया है, तो याद रखना प्रश्न क्या बना था, प्रश्न इसके कलर के ऊपर आ चुका है कि इसका कलर कौन सा होगा, ग्रीनिश येलो होगा। डायमेंशन भी याद रखो, 63x129 mm इस नए नोट की डायमेंशन होगी। और चित्र कौन सा होगा इसके ऊपर, एलोरा की गुफा है। ये कहाँ है भैया, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही आपको पता होगा आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया, नाम पता है उनका, विरल आचार्य। बढ़ते आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूजीसी ने भारत में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्ट्राइड STRIDE। अच्छा, इसका मतलब स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। तो यूजीसी ने, यूजीसी मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो यूजीसी ने भारत में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, मतलब यूनिवर्सिटीज में रिसर्चेज और इनोवेशन हो सके, इसे बढ़ावा देने के लिए स्ट्राइड नाम की योजना, स्ट्राइड नाम का जो प्रोग्राम है उसको शुरू किया है। और इस पूरी योजना की देखभाल के लिए प्रोफेसर भूषण पटवर्धन की अध्यक्षता में यूजीसी ने एक सलाहकार समिति का गठन भी किया है। बढ़ते आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अंडर 19 एशियन स्क्वैश खिताब जीता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वीर चोटानी ने। तो चाइना के मकाओ में चल रहे एशियन जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 19 में विजेता रहे कौन, वीर चोटानी। और इसी जीत के साथ वीर चोटानी अंडर 19 में एशियाई ट्रॉफी जीतने वाले 3रे नंबर के भारतीय बन गए हैं। इनसे पहले 2 भारतीय कौन थे, रवि दीक्षित और वेला सेंथिल कुमार। अच्छा, स्क्वैश की बात हुई है, मैंने आपको कई बार बताया है कौन सा गेम होता है स्क्वैश। एक प्लेयर होता है ऐसे, वो हाथ में बैडमिंटन लेकर के बॉल को मारेगा, बॉल जाएगी दीवार पर टकराएगी, वापस आएगी, फिर मारेगा, फिर जाएगी टकराएगी, आएगी जाएगी टकराएगी, ये होता है स्क्वैश। अच्छा, स्क्वैश से 3 नाम मैं हमेशा आपको बताता हूँ। एक है पुरुष में सौरव घोषाल का, इनका नाम क्यों बताता हूँ, क्योंकि ये पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने थे टॉप 10 में पहुँचने वाले। उसके अलावा 2 महिलाओं के नाम बताता हूँ, मतलब फीमेल प्लेयर, दीपिका पल्लिका और जोशना चिनप्पा। अच्छा, आपको याद हो तो अभी कुछ दिन पहले 17th time सीनियर नेशनल चैंपियनशिप बनी थी कौन, जोशना चिनप्पा। अच्छा, मैंने आपको बताया था शायद मैंने आपको, स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसने अभी HCL के साथ साझेदारी की थी भारत में स्क्वैश को पॉपुलर बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए। इसके अलावा इसके प्रेसिडेंट वापस से रीअपॉइंट हुए थे, जिनका नाम क्या है, देवेंद्र नाथ सारंगी। और इसके सेक्रेटरी जनरल अभी बने थे
किसके? स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के। सेक्रेटरी जनरल कौन बने? साइरस पोंचा, जो किसके कोच है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नालको। अच्छा, नालको मतलब नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो उड़ीसा स्थित नवरत्न कंपनी है ये नालको, और इसको सामाजिक विकास में कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड के उत्कृष्ट यानी कि सबसे अच्छे उपयोग के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया है। अच्छा, मैंने अभी क्या बोला आपसे कि कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड, तो ये क्या होता है? देखो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उन्हें अलग से एक फंड निकालना होता है, और इस फंड का प्रयोग वो समाज सुधार में लगाते हैं, पर्यावरण सुधार में लगाते हैं। तो नालको ने इसी तरह की एक नालको की लाडली योजना चला रखी है, जिसमें होता क्या है, गरीब लोग जो होते हैं, गरीब तो होते ही हैं, साथ में टैलेंटेड जो लड़कियां होती, गरीब और टैलेंटेड लड़कियों की शिक्षा का खर्च ये लोग उठाते हैं, और इसी के लिए नालको को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा की मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केशनी आनंद अरोड़ा को। तो अभी हाल ही में केशनी आनंद अरोड़ा को राज्य की मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, ऑप्शन ए क्या लिख रहा है यहाँ पे, अजॉय मेहता। कुछ याद आया, हमने पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले, महाराष्ट्र के नए चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव बने थे अजॉय मेहता। ऑप्शन बी क्या है, पीके सेकिया, अरुणाचल प्रदेश के लोकायुक्त बने, कल परसों ही पढ़ा था, पीके सेकिया। ऑप्शन सी क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, सामंत गोयल, रॉ के प्रमुख। रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। सामंत गोयल का नाम याद रखना। अच्छा, ये हरियाणा की चीफ सेक्रेटरी बनी है, तो ये रहा मैप में हरियाणा। अच्छा, हरियाणा के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, जब अपन ने बात करी थी कि हरियाणा राज्य ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य सहायता की घोषणा की थी, कल पढ़ा था अपन ने। अच्छा, इसकी कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है, जो कि पंजाब की भी है। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ पे खुलेगा, कल परसों बताया था, आप मुझे आंसर दो, झज्जर में खुलेगा, जो कि हरियाणा का ही जिला है। आप मुझे बताओ, भारत का पहला वोटर्स पार्क कहाँ पे खुला था, तो गुरुग्राम में खुला था, गुरुग्राम हरियाणा में। अच्छा, गुरुग्राम जो है सबसे प्रदूषित शहर बना था, किसकी रिपोर्ट के अनुसार, ग्रीन पीस की रिपोर्ट के अनुसार या WHO की रिपोर्ट के अनुसार? तो आंसर होगा ग्रीन पीस के अकॉर्डिंग गुरुग्राम सबसे प्रदूषित है, और वहीं अगर बात करेंगे WHO के अकॉर्डिंग तो कानपुर सबसे प्रदूषित है। बढ़ते आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार 5 अर्धशतक लगाने वाले पहले कप्तान बन गए हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विराट कोहली। तो विराट कोहली क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार 5 अर्धशतक बनाने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। आपको बता दूं, 2015 का जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसमें स्टीव स्मिथ ने भी लगातार 5 अर्धशतक बनाए थे। अच्छा, अभी आपने देखा होगा इंग्लैंड के खिलाफ जो हमने मैच खेला था, वैसे हम उसमें थोड़ा सा हार गए, तो उसमें मोहम्मद शमी ने 5 विकेट भी लिए थे। अच्छा, 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ICC ODI रैंकिंग जारी हुई है, और उसमें टॉप पे कौन है, भारत है, 2nd नंबर पे इंग्लैंड है, और 3rd नंबर पे न्यूजीलैंड है। अच्छा, आपने इस मैच में देखा भी होगा, और मैंने आपको बताया भी था कि हमारी टीम ने नई जर्सी पहनी थी, मैंने आपको रीज़न दिया था कि नई जर्सी क्यों पहनी है, लेकिन उसका कलर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कलर कौन सा है, नीला प्लस ऑरेंज दोनों है। अच्छा, कुछ दिन पहले अपन ने देखा था कि 20,000 सबसे तेज 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने, तो विराट कोहली 417 पारियों में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। और उससे पहले मैंने आपको बताया था वनडे मैचेस में विराट कोहली ने केवल 222 पारियों में यानी कि सबसे तेजी से 11,000 रन पूरे किए थे, और सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। ये है हमारे विराट कोहली। बढ़ते आगे। तो कल के वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था, हाल ही में चर्च ऑफ इंग्लैंड की पहली अश्वेत महिला बिशप कौन बन गई है? सही उत्तर था ऑप्शन सी, रॉज हडसन विल्कन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है, लेकिन मैंने देखा आप में से कुछ लोगों ने ऑप्शन को भी डिस्क्राइब कर दिया, बहुत ही कमाल का काम कर दिया। जैसे कि ऑप्शन ए क्या लिख रहा है, सराय खुमालो। तो क्या था ये, माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी, जो कि साउथ अफ्रीका से है। ऑप्शन बी क्या था, लॉरी लाउटफुल। तो ये क्या है, शिकागो की पहली अश्वेत महिला मेयर हैं। ऑप्शन डी क्या है, जगमीत सिंह। इन्होंने पहले अश्वेत नेता के रूप में कनाडा की संसद में पद ग्रहण कर करके इतिहास रचा था।
तो आपने भी इतिहास रच दिया है, बहुत कमाल का काम कर रहे हैं आजकल आप लोग। अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसमें आज के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ पुराने डेज वाले क्वेश्चन होंगे, तो आपको उनको सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करके उनको सॉल्व करो, फिर मैं आपको उनको सॉल्व कराऊंगा। तो ये रहे क्वेश्चंस आपके सामने, वीडियो को पॉज करो, इन्हें सॉल्व करो। तो उम्मीद करूंगा आपने वीडियो को पॉज करके इनको सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, पजल वाले वीडियो में। पजल वाला वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन पे एक यहाँ पे कॉर्नर पे एक वीडियो आ रहा होगा, जस्ट आप उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाएंगे। फिर आराम से वहाँ पे बहुत सारे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका रिविजन करवाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, अपना सपोर्ट जरूर दें, ताकि हम भी इस चीज को कंटिन्यू रख पाएं, आपके लिए बेहतर काम कर पाएं। अच्छा, आपको ये वाला प्रश्न अगर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। चलिए मिलते हैं पजल वाले वीडियो में।